हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के मैथ्स एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, सभी प्रश्नों का हल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जिसमें ये चारों दिया हुआ है। तो इसका मान हमसे पूछा है, तो इस टाइप में हम उदाहरण के सवालों को भी सॉल्व कर दिए हैं। इसी टाइप में था वो, तो उसी से रिलेटेड ये है एक्सरसाइज, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि वो कहाँ से आया है। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है ये पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो उसी का उपयोग आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में 8.3 में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं साइड में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि ये कैसे आया है, ये क्यों हम लिखते हैं। ठीक है, आज हम इसका उपयोग करने वाले हैं किसमें, प्रश्नावली 8.3 के सवालों में इसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए, 18 डिग्री तो टेबल में तो नहीं है, टेबल में तो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ये सब मान है, तो हम 18 डिग्री कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बोलें कि साइन को कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन का साइन रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री। अब देखिए, कॉस ये एक तरह से क्या है, थीटा है, थीटा की जगह कितना, 72 डिग्री। क्या हम कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो है वो थीटा ही रह जाएगा। अगर हम कॉस की जगह 90, कॉस की जगह क्या कर दे, साइन कर दे, तब हम 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉस की जगह क्या करेंगे, साइन, कॉस की जगह पे क्या, साइन। अब क्या, थीटा की जगह क्या है, थीटा हो जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा कितना, 72 डिग्री। कोई दिक्कत, कॉस थीटा को बदल दी, देखिए इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस थीटा था, कॉस 72 डिग्री था, कितना था, कॉस 72 डिग्री, उसको हम चेंज कर दिए साइन किसमें, 72। थीटा की जगह जो है तो थीटा की जगह थीटा हो जाएगा 72, माइनस कितना, 90 में, तो वही हम लिख दिए। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, थीटा की जगह पे थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, हम ये लिख सकते हैं। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो साइन 18 डिग्री एक ही निष्पत्ति में हमको ले जाना है, यहाँ साइन था ये भी साइन में आ गया, अब क्या होगा, एक ही निष्पत्ति में आ गया। 18 डिग्री इसमें भी माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। तो यहाँ भी साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, एक। क्या बचेगा, इसका मान एक, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आ गया 10 26 डिग्री, तो 10 को कुछ नहीं करेंगे, 10 को 10 रहने देते हैं, 26 डिग्री। कॉट को, कॉट थीटा देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 डिग्री थीटा जगह कितना, 64 डिग्री, माइनस 64 डिग्री, तो ये आ जाएगा 10 26 डिग्री बाय 10, इसमें जब आप माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 26 डिग्री, दोनों सेम आ गया, कट के कितना हो जाएगा, एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, इसका भी एक। तीसरा देखिए क्या, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए, एक कॉस के टर्म में एक साइन के टर्म में, अगर हम इसको भी कॉस के टर्म में बदल दें तब क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना, 42 डिग्री, थीटा की अब थीटा दे दिए। अब देखिए, कॉस 48 डिग्री माइनस ये कॉस कितना हो जाएगा, इसमें जब आप माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, दोनों सेम आ गया, कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, क्या बचा, जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब एग्जाम में निश्चित आता है। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक निष्पत्ति में ले जाना है हमको,
ये 31 डिग्री sec, sec को बदलेंगे किसमें, sec थीटा क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं cos sec 90 माइनस थीटा, तो cos sec 90 डिग्री थीटा की जगह कितना 59, तो 59 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा cos sec 31 डिग्री माइनस, इसमें जब माइनस करेंगे आप कितना हो जाएगा cos sec 31 डिग्री, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा जीरो, दोनों कट के क्या हो जाएगा यहाँ पे भी जीरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो, इसका भी जीरो, इसका वन, ठीक है इसका भी वन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, आपको बस क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको निश्चित करके याद रखना है, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में बता दिए कि फॉर्मूला कैसे आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू वन, ये हमको दिखाना है कि ये दोनों बराबर है, यानी एक के बराबर होता है इसका मान, ये हमको दर्शाना है। तो LHS को लेते हैं, तब फिर चेक करते हैं क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो LHS क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 48 और 42 प्लस करके कितना हो रहा है 90 हो रहा है, 23 और 67 प्लस करके कितना हो रहा है 90 हो रहा है, इसका मतलब इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसका जो यहाँ पे बॉस है यानी ये और ये प्लस करके 90 हो रहा है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको और इसको प्लस करके 90 हो रहा है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको करेंगे, ये दोनों को चेंज कर देंगे अपने हो जाएगा। तो देखिए tan 48 और tan 23 डिग्री, इस ये किसके साथ 90 डिग्री प्लस कर रहा था, ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहा था, इसका मतलब इसको चेंज करेंगे, और ये इसके साथ बना रहा था 90 डिग्री प्लस करके, तो इसको चेंज करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे कॉट में, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इसी तरह यहां पे क्या लिख सकते हैं कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री, ठीक है। tan थीटा को किस में बदल दिए cot 90 माइनस थीटा में, अब देखिए क्या हो जाएगा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot 48 डिग्री और cot 23 डिग्री, माइनस जब करेंगे ये हो जाएगा। अब देखिए व्युत्क्रम बताए थे, व्युत्क्रम पिछले वीडियो में बताए थे, व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे tan थीटा का, tan थीटा का व्युत्क्रम क्या 1 / cot थीटा, अगर हम ये cot थीटा को यहां भेज दें तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा इनटू में cot थीटा इज इक्वल टू 1, अगर tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर थीटा के जगह थीटा सेम आ जाए, सेम एंगल रहे, तो tan थीटा और cot थीटा के दूसरे का व्युत्क्रम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो अब देखिए थीटा के जगह पे यहां क्या क्या tan थीटा, tan 48 डिग्री सब मल्टीप्लाई में, तो हम इसको पहले लिख सकते हैं cot 48 डिग्री, ठीक है, ये हो गया क्या एक एंगल वाला 48 डिग्री, 48 डिग्री और tan और cot, tan और cot, ठीक है। अब यहां बच गया tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री, अब देखिए ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1, क्योंकि tan थीटा इनटू cot थीटा तो 1, ये भी tan थीटा, थीटा इज 23, यहां भी थीटा इज 23, तो tan थीटा इनटू cot थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब 1 इनटू 1 क्या 1, वन ही प्रूफ करना था हमको, तो हैंस में क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, हमको यही प्रूफ करना था कि ये एक के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, अगर हम इसको टोटल को कुछ नहीं करें, इसको चेंज कर दें किसमें कॉस में, तब तो कॉस कॉस वाला हो जाएगा पार्टी दोनों, तो चलिए देखते हैं LHS कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस, अब साइन थीटा को देखिए 38 और 52 ये दोनों प्लस करके कितना होगा 90, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, देखिए 38
कहाँ गया, यहाँ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री थीटा, थीटा की जगह कितना 38, इस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना 52 डिग्री। अब देखिए क्या आ जाएगा, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 52 डिग्री, और यहाँ कॉस 38 डिग्री, ध्यान दीजिएगा कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री ये 5 है, माइनस कॉस इसको आगे लिख सकते हैं ना 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कॉस 38 कॉस 38 मल्टीप्लाई में कॉस 52 कॉस 52, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या जीरो, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमको किसके इक्वल करना था, जीरो के इक्वल, तो जीरो आ गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह आप 90 माइनस थीटा का प्रयोग करके आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला 6 याद रखना चाहिए, ठीक है, तब आप ये सब इस्तेमाल करके इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, यदि टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहां टू ए एक न्यून कोण है, 2a जो है ये 2a न्यून कोण है, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है क्या 2a, 2a का जो मान है 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब 90 डिग्री हम उसको माइनस कर सकते हैं, किसको 2a को, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2a क्या है, न्यून कोण है, तो tan 2a बराबर दिया हुआ है क्या cot a माइनस 18 डिग्री, ये तो मेरा दिया हुआ है। अब ये जब न्यून कोण है तो क्या हम इसको 90 डिग्री में घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, 90 डिग्री में अगर माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, tan एक तरह से क्या है थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या cot, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर हम ये 90 में माइनस कर दें किसको, देखिए tan tan 2a थीटा जगह पे क्या 2a, तब क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, होगा कि नहीं होगा, थीटा की जगह पे जो है थीटा चले गया 2a था तो 2a कहां चले गया थीटा की जगह पे, तो 90 डिग्री में माइनस कर सकते हैं कि नहीं 2a को, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 2a क्या है न्यून कोण है, तो हम 90 डिग्री माइनस कर सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, 2a माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम 90 डिग्री में उसको माइनस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में था कि न्यून कोण है। इधर क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, अब देखिए यहां भी cot आ गया यहां भी cot आ गया, इसका मतलब क्या है कि cot cot बराबर है तो ये भी एंगल इसका भी बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो तुलना करने पर हम क्या पाएंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे निष्पत्ति बराबर है cot और ये भी cot, तो वो तो बराबर है, तो हमको एंगल यहाँ अलग अलग मिल रहा है, ये एंगल है ये एंगल है, और किसके फॉर्म में है, a के फॉर्म में है, जिसमें a हमको पता नहीं है, ठीक है, a अननोन है, वो हमको पता करना है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, माइनस 2a ये a अपोजिट साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस 18 डिग्री तो पहले से विराजमान है, 90 डिग्री अब अपोजिट साइड करेंगे तो माइनस का 90 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का 3 है माइनस का 108 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 108 बाय 3, तो a का मान आ जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 6 जा 18, यानी 36 डिग्री हो जाएगा a का मान, कौन a का मान कितना 36 डिग्री, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप में देता है स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, आखिर करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जब क्वेश्चन गिवन हो कि दे दिया है कि 90 डिग्री से कम है, कम क्यों है, क्योंकि न्यून कोण है, 2a क्या न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण है तो हम उसको 90 डिग्री से माइनस कर सकते हैं, तो 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा को बदल देंगे किसमें cot थीटा में, तो जब cot और यहां भी cot मिल गया तो एंगल भी बराबर, एंगल बराबर तो एक का मान निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत, कोई समझने में परेशानी
नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। अब नेक्स्ट देखिए फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है, यदि tan a is equal to cot b तो सिद्ध कीजिए a plus b equal to 90 degree। tan a equal to cot b ये दिया हुआ है, tan a is equal to cot b, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए ये cot के टर्म में है और ये tan के टर्म में, अगर हम इसको इस tan को cot के टर्म में ले जाएं तब क्या होगा, तो tan थीटा एक तरह से ही, tan क्या है थीटा के रूप में है, तो tan थीटा क्या होता है cot cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे a है तो यहां पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस का a इज इक्वल टू cot, इधर b है cot b, इसको हम बदल दिए tan थीटा को cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। अब ये क्या हो गया, देखिए दोनों तरफ cot cot मिल गया, अब cot cot मिल गया, निष्पत्तियां बराबर, तब हम क्या तुलना कर सकते हैं, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू इसका एंगल क्या b, 90 डिग्री a को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस a, अब इसको हम लिख सकते हैं नहीं b प्लस a को a प्लस b क्या किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के इक्वल, तो यही तो हमको सिद्ध करना था, प्रूफ बहुत आसान था, बहुत आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या करना है बस कि tan a इक्वल टू cot b दिया हुआ है तो हम निष्पत्तियां तो बराबर कर सकते हैं ना, तो tan a को हम किसमें चेंज कर दे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री थीटा की जगह पे a है तो यहां भी थीटा की जगह पे a ले लिए, 90 डिग्री माइनस a, यहां cot b तो पहले से विराजमान है, अब cot और cot मिल गया निष्पत्तियां बराबर तो एंगल भी तो बराबर, जब निष्पत्तियां बराबर है तो एंगल भी बराबर, इसका एंगल 90 डिग्री माइनस a और इसका एंगल b ये आपस में बराबर, a को अपोजिट साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा b प्लस a, तो b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक ना, सिद्ध करना था क्या यही, तो बहुत आसान था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण वाला भी तुरंत बताएं, तब 4a जब न्यून कोण है 4a का मान न्यून कोण है, ठीक है, तो क्या हम 90 डिग्री माइनस कर सकते हैं उसको, 90 डिग्री छोटा है इसका मतलब, 4a जो है क्या है 90 डिग्री से, 4a का मान क्या है 90 डिग्री से छोटा है, कोई दिक्कत, तो जब 90 डिग्री से छोटा है तो हम उसमें 90 डिग्री में माइनस कर सकते हैं किसको 4a को, गिवन क्या है देखिए sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत, अब sec 4a sec को कन्वर्ट किसमें करेंगे cosec में, क्योंकि हमको निष्पत्तियां बराबर करना है, निष्पत्तियां बराबर करेंगे तब एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर हो गया काम बन गया, तो सबसे पहले sec थीटा एक तरह से ये थीटा है, थीटा की जगह कितना 4a, थीटा की जगह कितना 4a, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, तो हम यहां क्या लिखेंगे cosec 90 डिग्री थीटा की जगह कितना 4a, 4a, अब देखिए माइनस किया कि नहीं 90 डिग्री माइनस हो गया कि नहीं, क्यों माइनस हुआ क्योंकि बोल दिया था कि एक न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण है तो हम 90 डिग्री माइनस कर सकते हैं, जो कि कर दिए 90 डिग्री माइनस हम कर सकते हैं, इधर है cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, अब देखिए ये आ गया cosec और ये भी cosec, दोनों cosec निष्पत्तियां बराबर, एंगल भी बराबर, तुलना करेंगे एंगल बराबर हो जाएगा, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको 90 डिग्री माइनस का 4a इज इक्वल टू ये एंगल के बराबर, ये एंगल क्या a माइनस 20 डिग्री माइनस 4a, ये a अपोजिट साइड आएगा तो माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री, ये अपोजिट साइड आएगा तो माइनस का 90 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस का 5a माइनस 4a और माइनस का a माइनस 5a माइनस 20 माइनस 90 माइनस 110 डिग्री, माइनस का माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 110 बाय 5 110/5 110 डिग्री बटे 5, तो a का मान आ जाएगा कितना 22 डिग्री, इसको जब आप कटाएंगे तो कितना बार में आ जाएगा 22 बार में, तो a का मान निकल के आ गया 22 डिग्री, जो कि हमको पूछा था, देखिए तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान निकल गया कितना 22 डिग्री, कुछ नहीं करना है बस क्या करना है, जब न्यून कोण बोल दिया 90 डिग्री माइनस हो सकता है इसलिए हम इसको बदल लेंगे किसमें sec को cosec में, क्यों क्योंकि cosec यहां मेरा
एक ऑलरेडी है, ठीक है। तो कोसेक में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक मिल जाएगा, एंगल बराबर, निष्पत्तियां जब बराबर है तो एंगल भी बराबर कर देंगे, एंगल बराबर करेंगे तो एक मान ऑटोमेटिक फेंक देगा, कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो त्रिभुज का अंतः कोण क्या है, ए बी सी है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, नाम दे दिए ए बी सी, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, तीन कोण इसमें क्या है, ए बी सी। अच्छा ये बताइए ए और बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग कितना होगा, एंगलों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अब देखिए b प्लस सी का डिमांड है यहां पर, तो b प्लस सी अगर हम फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का a, 180 डिग्री माइनस का a, ये हो जाएगा, ये हो गया, इसको हम इक्वेशन एक मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसको हमको प्रूफ करना है, किसको, इसको, तो इसमें LHS क्या है, LHS, LHS क्या है, साइन बी प्लस सी बाय टू, ठीक है, साइन बी प्लस सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी प्लस सी के जगह पर 180 डिग्री माइनस है, तो 180 डिग्री माइनस ए बाय टू, कोई दिक्कत, ये हम बी प्लस सी कहां से लिखे, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ये समीकरण एक से लिखे b प्लस सी का मान a 180 माइनस a। अब देखिए साइन जब 2 डिवाइड में तो अलग अलग हम डिवाइड दे सकते हैं, 180 डिग्री बाय 2 माइनस a बाय 2, अलग अलग 2 डिवाइड दे सकते हैं ना, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री बटे 2 90 डिग्री और माइनस a बाय 2। अब ये किसके रूप का ले लिया, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, थीटा की जगह ए बाय टू, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए बाय टू, यानी कॉस ए बाय टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय टू, तो कॉस ए बाय टू ही सिद्ध करना था, ठीक ना, हैंस में क्या लिखेंगे, नीचे लिखना है आपको, आपका अगर जगह है तो नीचे लिखना हैंस एल एच एस is equal to RHS proved, ठीक है, ये a by 2 है, आपको दिख रहा होगा, या नहीं तो हम ऊपर में लिख देते हैं, टोटल को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है हम साइड में लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे a by 2, hence LHS is equal to RHS proved। कैसे किए, जब त्रिभुज का कोण है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर कर दिए, b प्लस सी का यहाँ डिमांड है तो b प्लस सी को सिर्फ फ्री किए, b प्लस सी के जगह पे उसको पटक दिए, पटक दिए मान फेंक दिया, मान फेंक दिया, cos a प्लस टू आ गया, a बाय टू, सॉरी cos a बाय टू आ गया, जो कि यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, नेक्स्ट देखिए, अब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यह दिया हुआ है साइन 67 डिग्री, देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको बोल रहा है कि डिग्री जो होना चाहिए ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी हो चलेगा, लेकिन डिग्री जो होना चाहिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, देखिए एक तरह से ये है क्या, साइन थीटा, क्या आई, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा जगह कितना है, देखिए 67 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, कॉस 90 डिग्री में से 67 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 23 डिग्री। अब देखिए ये 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आया कि नहीं, इसका मतलब साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 23, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, कॉस
90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कहाँ गया, यहाँ है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, 90 थीटा कितना 75 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस इसमें जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23 डिग्री, प्लस साइन ये हो जाएगा कितना 15 डिग्री। अब देखिए ये आ गया किसके रूप में, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आया कि नहीं, 15 डिग्री और 23 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसको बदलना था किसमें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल के हमको क्या करना था, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना था। अब ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है सवालों में, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना है, किसमें मांग रहा है क्वेश्चन वो देखना है। 90 डिग्री माइनस थीटा करके अगर मांग रहा है तो वो देंगे, क्यों मांग रहा था, क्योंकि यहाँ पे 45 से ज्यादा था, हमको 0 और 45 के बीच में लाना है, बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.3 में, प्रश्नावली 8.3 में यानी 8.3 में टोटल इतना ही सवाल था जो कि हम सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही था, टोटल हम सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फार्मूला को भी बताएंगे, वो फार्मूला कैसे आया उसको भी बताएंगे, उससे संबंधित उदाहरणों को भी सॉल्व करेंगे, तब फिर एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।